बाहर की आइसक्रीम मिल नहीं सकती है क्योंकि सब कुछ शट डाउन चल रहा है, तो इसलिए हमें बाहर की आइसक्रीम मिल नहीं सकती, तो हम क्यों ना मार्केट जैसा आइसक्रीम घर पर बनाएं। हेलो दोस्तों, मैं ममता और आपका स्वागत है ममता किचन हिंदी में। तो देर किस बात की, चलिए आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक आम ले रखा है और आम को छील कर इसका पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने आम का पल्प निकाल लिया है और यहाँ पर हमने एक कटोरी शुगर पाउडर ले रखा है और यहाँ पर हमने एक कटोरी दूध ले रखा है, जो कि हमने दूध को पहले से गर्म करके ठंडा कर लिया है। और यहाँ पर हमने 250 ग्राम मलाई ले रखा है। ये मलाई घर की है, आप चाहें तो मार्केट से भी मलाई ले सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि मलाई ज़्यादा दिन की ना हो, ये 3 से 4 दिन की मलाई है। ये देखिए, आम के पल्प को हमने थोड़ा सा क्रश कर दिया और अब इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में। ये देखिए, हमने मैंगो को मिक्सर जार में डाल दिया और अब इसमें डालेंगे मलाई जो हमने ले रखा है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी मलाई लग रही है। यह हमने मलाई को भी डाल दिया और अब इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच शुगर पाउडर। चीनी की मात्रा इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से इसमें इसको मीठा ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं तो हमारी आइसक्रीम फीकी फीकी लगेगी। और यहाँ पर अब डाल देते हैं दूध। ये देखिए, हमने दूध डाल दिया अब इसको 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसको इसलिए 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे ताकि आम का पल्प सही से मैश हो जाए, नहीं तो वो कहीं कहीं पर टुकड़े टुकड़े में रहेगा, इसलिए इसको सही से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हाँ 2 मिनट हो गया ग्राइंड करते हुए आइसक्रीम का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, पेस्ट या आइसक्रीम कितनी अच्छी होगी ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। ये इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया, अब यहाँ पर हमने एक टिपन ले रखा है और टिपन में इस पेस्ट को डाल देंगे। ये इसमें थोड़ा सा वाइट दिख रहा है क्योंकि जिस बॉल में मैंने मलाई ले रखा था उसी में इसको निकाल लिया, इसलिए ये थोड़ा सा पार्ट वाइट आ गया है। ये आप देख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे 7 घंटे में रेडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम रखे हुए 6 से 7 घंटे हो गए। अब आपको मैं ढक्कन खोलकर इसको दिखा देती हूँ कि हमारा आइसक्रीम कितना अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट, एकदम मार्केट जैसा, मार्केट का मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये घर पर बनाया है तो मार्केट से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारा आइसक्रीम कितना अच्छा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम मैंगो की जैसे। ये देखिए कितना अच्छा जम गया है और मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इसको खाती हूँ, देखती हूँ कितना अच्छा लग रहा है।
अगर आपको हमारी आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।